हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं गूगल पे का न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। गूगल पे का न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करें, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है साहिर खत्री और आप देख रहे हो खत्री ब्रदर्स का चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे का अकाउंट बनाने के लिए गूगल पे ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गूगल पे को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर आप सभी को कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जिनको आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो नेक्स्ट पेज आता है, जहाँ पर इस गूगल पे अकाउंट से आप सभी को अपनी ईमेल आईडी लिंक करने के लिए बोला जाता है। इसमें आप देखोगे कि एक ईमेल आईडी जो आपके फोन में पहले से लॉगिन होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद में आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया गया है वेरिफिकेशन के लिए, जो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मोबाइल वेरीफाई होते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हम गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब आप कभी भी आओगे तो गूगल पे एप्लीकेशन का डैशबोर्ड इस तरह का ही आएगा, जहाँ पर आप किसी को भी क्यूआर कोड की हेल्प से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, किसी के यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर पर यदि आपको पेमेंट करना है या फिर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है, तो ये सारे फीचर आप सभी को मिल जाते हैं। अगर आपको बिल पेमेंट करना है या फिर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो ये सारी सर्विस आपको दिखाई गई है। नीचे की तरफ जितने भी लोगों को आप पेमेंट करोगे तो पीपल्स के सेक्शन में वो ऐड हो जाएंगे। तो दोबारा से आपको पेमेंट करना होगा तो यहाँ पर आप वन टैप से पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर जितने भी मेथड दिखाए गए हैं इनसे आपको पेमेंट करने के लिए आपको अपने बैंक को लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए यहाँ पर जो ऐड बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन दिखाया गया है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने बैंक सिलेक्शन का पेज आ गया है। यहाँ पर कई सारे बैंक्स के नेम देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम आईसीआईसीआई बैंक सर्च करेंगे तो बैंक का आइकन आ चुका है, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो बैंक को लिंक करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एसएमएस और फोन कॉल की परमिशन को आपको अलाउ करना है और देन आपको वो सिम कार्ड सिलेक्ट करना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो हमारा फर्स्ट सिम ही बैंक अकाउंट से लिंक है, तो हम सिम सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपका जो सिम कार्ड है वो वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो इस बैंक अकाउंट को गूगल पे से लिंक करने के लिए आपको एक पिन को क्रिएट करना होगा। अब आपको नीचे क्रिएट पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें एटीएम कार्ड के लास्ट डिजिट को कार्ड नंबर में फिल करना है, उसके नीचे कार्ड की एक्सपायरी डेट को फिल करना है और हमारा जो भी एटीएम पिन है उसे फिल करना है। उसके बाद क्रिएट अ पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप सभी के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जिसे आप यहां पर फिल करोगे। उसके बाद आपके सामने पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको पिन सेट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारा बैंक अकाउंट गूगल पे के साथ लिंक हो रहा है। फ्यू सेकंड वेट करने के बाद आपका बैंक अकाउंट गूगल पे के साथ लिंक हो जाएगा। अब आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। अब आपको अपना नेम एंटर करने का ऑप्शन आ गया है। आपको अपना नेम एंटर करके एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कुछ इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना गूगल पे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फाइनली अब हमारा गूगल पे का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आई होप अब आप इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पे का कैसे यूज करें और किस तरह अकाउंट बनाए ये आप कम्प्लीटली सीख गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।